ऑफ बिज। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। दोस्तों, अगर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप सर्जिकल कॉटन का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल कॉटन या फिर एब्सॉर्बेंट कॉटन की मांग सालाना 10% बढ़ रही है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन गांठे यानी कि प्रत्येक का वजन 107 किलोग्राम शोषक कपास की खपत हो रही है। सर्जिकल कॉटन की मांग के संदर्भ में जनसंख्या में वृद्धि और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के बीच एक सीधा संबंध मौजूद है। जैसे जैसे आबादी और अस्पतालों की, औषधालयों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि की संख्या बढ़ती है, सर्जिकल कॉटन की मांग भी बढ़ती है। स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों और निजी क्षेत्र में नए अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के परिणाम स्वरूप कॉटन अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। एब्सॉर्बेंट कॉटन का उपयोग सैनिटरी टॉवल, फिल्टर और टैम्पोन आदि बनाने के लिए किया जा रहा है। शोषक कपास के सबसे बड़े उपयोगकर्ता सरकारी अस्पताल और बड़े नर्सिंग होम हैं। एब्सॉर्बेंट कॉटन सरकारी अस्पताल में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। तो अब तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कम निवेश में इस बिजनेस की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। सर्जिकल कॉटन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सर्वप्रथम उद्यमी को स्थानीय स्तर पर रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। इस रिसर्च में उद्यमी को अनेकों बातों की जानकारी जुटानी होती है, जैसे उस एरिया विशेष में इस उद्योग में इस्तेमाल में लाए जाने वाला कच्चे माल कौन कौन सा है और स्थानीय वो किस तरीके का सुन सकते हैं इत्यादि। शुरुआती दौर में वह अपने उत्पादन को किन किन बाजारों में बेचने की योजना बना रहे हैं और उस शहर विशेष में हॉस्पिटल एवं स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है, यह भी जानना काफी जरूरी हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस व्यवसाय में आपको कितनी जमीन की आवश्यकता है। इसके अंदर अच्छी जमीन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर प्लांट बनाना पड़ता है, उसके बाद गोडाउन बनाना पड़ता है और कुछ जमीन पार्किंग के लिए चाहिए होती है। टोटल स्पेस की अगर हम बात करें तो इसमें 1000 स्क्वायर फीट स्पेस काफी है। अगर आप रेंट पर ले रहे हैं तो आपको कम से कम 15,000 रुपये में जमीन आराम से मिल जाएगी। बस वहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि आधारभूत सुविधाओं की अच्छी आपूर्ति होना अति आवश्यक है। अर्थात एरिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जहाँ पर बिजली ज़्यादा समय तक चली जाती हो। अगर हम बात करें मशीनों की और उपकरण की, तो इसमें आपको ओपनर मशीन, कियर कंपार्टमेंट, वेट कॉटन ओपनर, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, ड्राइंग चैम्बर, रैकिंग टीजर मशीन, फिनिशर, स्क्रिप्चर विथ लैप, फॉर्मर, कार्डियस्ट हैवी ड्यूटी सेमी हाई स्पीड, पैकिंग मशीन, सर्कुलर कटिंग मशीन, कार्डिंग मशीन, कोल फायर्ड बॉयलर इत्यादि की आवश्यकता होगी। चलिए अब जानते हैं कच्चे माल के बारे में। सर्जिकल कॉटन निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल कुछ इस प्रकार हैं: कॉम्बर और मिल वेस्ट कॉटन, सोडा एक्स, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट्स, पैकेजिंग मटेरियल इत्यादि। कर्मचारियों की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो उद्यमी को सर्जिकल कॉटन मेकिंग बिजनेस की फैक्ट्री शुरू करने के लिए विभिन्न स्किल्स एवं योग्य उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। इस कार्य को छोटे स्तर पर भी सफलतापूर्वक करने के लिए उद्यमी को एक प्लांट मैनेजर रखने की आवश्यकता होती है, जो पूरे प्लांट के कार्य को प्रबंधित कर सके। प्लांट में एक केमिस्ट नियुक्त करने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, सेल्समैन, अकाउंटेंट एवं अन्य श्रमिकों की नियुक्ति करने की भी आवश्यकता होती है। चलिए अब जानते हैं इसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले कपास की गांठों को ओपनर मशीन की सहायता से खोला जाता है, जिसके बाद इसमें धूल मिट्टी को हटाया जाता है। इसके बाद ढीली कपास हाई प्रेशर कियर में डाला जाता है। उस कियर में सोडा एस, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि को डालकर पर्याप्त पानी डाला जाता है। फिर उसे 3 से 4 घंटे तक उबाला जाता है। इस प्रक्रिया को करने में तेल और प्राकृतिक मोम को हटा दिया जाता है। जब कपास अच्छी तरह से मुलायम हो जाता है तब उसे उपचारित करने के लिए वॉशिंग टैंक में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। रासायनिक उपचार के कारण धुला हुआ कपास भूरे रंग का हो जाता है, जिसे हटाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करके ब्लीच किया जाता है, जिससे सफ़ेद और गीलेपन में सुधार आता है। अब कपास में से रासायनिक की मात्रा को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालकर फिर से धो लिया जाता है।
इसके बाद कपास का पानी हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन की मदद से निकाल दिया जाता है। फिर इसे गीले कपास खोलने वाली मशीन में भेजा जाता है। इसके बाद पर्याप्त कपास को ड्रायर से सुखाया जाता है। इसके बाद सूखे हुए कपास को ब्लोअर रूम में भेज दिया जाता है, जहां इसे अच्छी तरह से खोलकर लैब्स में बना दिया जाता है। फिर लैब्स को कार्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर कॉटन को रोलर्स की सहायता से पतली परत में लपेट दिया जाता है। इसके बाद पैकेजिंग पेपर के साथ जरूरत के हिसाब से आकार देकर रोल बनाया जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार रोल की कटिंग की जाती है और पॉलीथीन में पैक करके लेबल को लगा दिया जाता है। फिर इसे सीलिंग मशीन से सील कर दिया जाता है। अगर हम इसमें खर्चे की बात करें तो सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर आप इस बिजनेस को 3 स्तर से शुरू कर सकते हैं। पहला स्मॉल स्केल, दूसरा मीडियम स्केल और तीसरा लार्ज स्केल। यदि आप स्मॉल स्केल से इस बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो मशीनें आपको कम से कम कच्चा माल मिलाकर 40 से 50 लाख रुपए की पड़ जाएंगी और आप इस बिजनेस को सुचारू रूप से चला पाएंगे। चलिए अब बात आती है सबसे मेन स्टेप की, जो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है और इस बिजनेस में भी आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जैसे कि रजिस्टर योर बिजनेस आइडेंटिटी, MSME रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, ROC, गेटी पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, शॉप एक्ट लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, IEC कोड, एक्सपोर्ट लाइसेंस, फायर एंड सेफ्टी NOC, ESI, PF, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम द लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी, इत्यादि लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आप ये सभी लाइसेंस कॉर्बेज की टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर भी ले सकते हैं। तो आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्जिकल कॉटन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही ऐसी ही किसी और भी व्यवसाय की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट जरूर करें। धन्यवाद।